अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ द टैन इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x, एंड इसको सरलतम रूप में लिखना अपने को। तो क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। तो बेटा हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था हमारे में कि अगर हमारे पास यहां पे क्या है tan इनवर्स, अगर ये कंप्लीट टर्म हमारे पास किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, tan थीटा के फॉर्म में, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप क्या मिलेगा हमारे को, थीटा मिलेगा। तो इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास cos x इक्वल होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, एंड 1 इक्वल होगा हमारे पास, 1 की वैल्यू होती है cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, एंड sin x की वैल्यू होती है 2 cos x बाई 2 sin x बाई 2। ये फॉर्मूला कहां से आया, हमारे पास फॉर्मूला था cos 2x का क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अगर यहां पे अपन cos स्क्वायर, अगर इसके थीटा में 2 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, x को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां भी x किससे डिवाइड होगा 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, तो किसका फार्मूला बन गया हमारे पास cos x का। cos x का फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x / 2 - sin स्क्वायर x / 2। ऐसे 1 की वैल्यू होती है हमारे पास cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, तो यहां भी इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 2 से, क्योंकि दोनों में थीटा क्या हमारे पास इक्वल है। ऐसे हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos x sin x, अगर यहां पर x को 2 से डिवाइड करेंगे यहां पे x किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो यहां पे हमारे को इसका फॉर्मूला मिल गया sin x का, किसका फॉर्मूला मिला sin x का। तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमें मिला tan इनवर्स cos x की वैल्यू है cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 की वैल्यू है cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 प्लस 2 cos x by 2 sin x by 2। तो tan इनवर्स इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये मिला हमें cos x by 2 minus sin x by 2 into cos x by 2 plus sin x by 2 upon इसमें देखो a square plus b square plus 2ab, यानी ये मिला हमें cos x by 2 plus sin x by 2 का whole square। हमारा स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये टर्म यहां पे क्या है डबल टाइम है, तो डबल टाइम मतलब यहां पे सिंगल टाइम, ये टर्म इससे क्या हो गया कैंसिल, तो हमें मिला tan इनवर्स cos x / 2 - sin x / 2 अपॉन cos x / 2 + sin x / 2, इसका सॉल्यूशन ये मिला। अब हमें क्या था tan इनवर्स इसमें कन्वर्ट करना है इसको tan के फॉर्म में, तो tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर को किससे डिवाइड करते हैं हम cos x / 2 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड करते हैं cos x / 2 से, तो हमें मिला tan इनवर्स cos x / 2 अपॉन cos x / 2 माइनस sin x / 2 अपॉन cos x / 2 अपॉन cos x by 2 अपॉन cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपॉन cos x by 2, cos x by 2 से cos x by 2 वन टाइम कैंसिल, cos x by 2 से cos x by 2 वन टाइम कैंसिल, हमें मिला tan इनवर्स 1 माइनस किस में कन्वर्ट होगा ये टर्म sin x अपॉन cos x, किस में हुआ tan x by 2, ये मिला था 1 प्लस ये किस में कन्वर्ट होगा हमारे पास tan x by 2। अब बेटा यहां पे हम इस टर्म के इनटू में क्या ले लें 1,
हिस्टोग्राम तुम क्या ले लें वन। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, टेन इनवर्स वन को कैसे सपोज कर लें एक्स माइनस इस कंप्लीट को कैसे सपोज कर लें हम वाई अपॉन वन माइन वन प्लस एक्स इंटू वाई क्या होती है बेटा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू कौन थी टेन एक्स बाई टू। तो टेन इनवर्स वन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स टेन थीटा की सिंपल फॉर्म क्या हो गई यहाँ पे एक्स बाई टू। तो ये जो वैल्यू मिली हमारे को ये गिवन फंक्शन की कौन सी वैल्यू थी सिंप्लीफाइड फॉर्म थी या सरलतम रूप। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ यदि cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal pi तो then prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz equal 1। यदि हमारे पास cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal pi है तो सिद्ध कीजिए कि x square plus y square plus z square plus 2xyz equal क्या होगा 1। तो देखो हमारा गिवन था सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन गिवन है दिया हुआ क्या हमारे पास कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल क्या गिवन है पाई। प्रूव करना है नहीं हमारे को एलएचएस से क्या प्रूव करनी है आरएचएस। तो यहां पे अगर अपन ले लें कोस इनवर्स एक्स को cos इनवर्स x इक्वल a cos इनवर्स y इक्वल b cos इनवर्स z इक्वल c क्या किया लेट मानो cos इनवर्स x को a cos इनवर्स y को b cos इनवर्स z को c cos इनवर्स या फिर तो और शॉर्ट मेथड से कर लेते हैं सेकंड इजी मेथड। जब यहां पे हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है cos inverse x plus cos inverse y क्या होगा cos inverse x y minus root of 1 minus x square root of 1 minus y square equal pi cos inverse z को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया ये मिला हमें cos inverse z cos inverse z। अब हमने पढ़ा था इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है पाई माइनस कोस इनवर्स जेड किसके इक्वल होगा कोस इनवर्स माइनस जेड के क्या होगा इक्वल होगा। यहां हमारे पास प्रॉपर्टी थी कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो ये था हमारे पास कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया कोस इनवर्स माइनस जेड। बोथ साइड्स किसके टर्म आ गए हमारे पास कोस इनवर्स के तो कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स दोनों तरफ के पदों की क्या कर ले हम तुलना तो हमें मिला एक्स वाई माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल मिला माइनस जेड। अब इन टर्म्स को इक्वल से इधर ट्रांसफर कर देते हैं और माइनस जेड को इक्वल से इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो एक्स वाई माइनस जेड इक्वल से किसका हो गया प्लस जेड इक्वल में मिला रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स दोनों तरफ क्या करते हैं वन एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस टू एक्स वाई जेड, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, रूट सॉल्व हो जाएगा, तो हमें मिला वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल में इनको मल्टीप्लाई करो, टोटल मल्टीप्लाई करने मिला हमें वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मिला हमें माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल, इस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को इक्वल से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो ये मिला प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लेफ्ट हैंड में था प्लस जेड स्क्वायर, फिर लेफ्ट हैंड में था प्लस टू एक्स वाई जेड, और राइट हैंड में कौन सा ओनली हमारे पास वन, हैंस प्रूव दैट इज क्लियर। तो जो गिवन था उसमें हमने पहले कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी यूज ली और कोस इनवर्स जेड को पाई के पास क्या कर दिया हमने ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें प्रॉपर्टी यूज हो गई कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई और यहां प्रॉपर्टी यूज हो गई पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, तो ये कन्वर्ट हो गया कोस इनवर्स माइनस जेड, ये टर्म भी कोस इनवर्स का और ये टर्म भी कोस इनवर्स का, तो हमें यहां पे क्या करनी है कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स। अब रूट सॉल्व आउट करने के लिए इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया और माइनस जेड को लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर कर लिया, अब यहां पे स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करने पे ये मिला हमें a + b का होल स्क्वायर और इनका स्क्वायर करने पे क्या हो गया रूट सॉल्व आउट हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पॉजिटिव, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर राइट हैंड में पॉजिटिव के बोथ साइड्स क्या हो गया कैंसिल, अब हमारे पास बचा माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर को राइट हैंड से कितना ट्रांसफर कर दिया हमने लेफ्ट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में था हमारे पास z स्क्वायर प्लस 2xyz जो एज इट इज है और राइट हैंड में कौन सा हमारे पास 1 दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं हमारे सेकंड मेथड से, क्वेश्चन था कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल क्या था पाई, तो फिर हमने हमारे पास था कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड, पाई को हमने कन्वर्ट कर लिया पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ की क्या करें तुलना तो cos इनवर्स x इक्वल पाई बाई थ्री cos इनवर्स y इक्वल पाई बाई थ्री एंड cos इनवर्स z इक्वल भी क्या मिला हमें पाई बाई थ्री, तो यहाँ से x इक्वल मिला cos पाई बाई थ्री y इक्वल मिला cos पाई बाई थ्री एंड z इक्वल मिला हमें cos पाई बाई थ्री cos पाई बाई थ्री मतलब cos 60 x इक्वल cos 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 बाई 2 इसमें भी कितनी होगी 1 बाई 2 एंड z की वैल्यू कितनी होगी 1 बाई 2, अब हमें जो प्रूव करना था उसकी हमारे पास LHS साइड थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy z पुट द वैल्यू ऑफ x y एंड z, यहां पे हम किसका मान रखते हैं x y एंड z का, तो x की वैल्यू जो बेटा 1 बाई 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू भी 1 बाई 2 का स्क्वायर, z की वैल्यू भी 1 बाई 2 तो 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 x की वैल्यू 1 बाई 2 y की वैल्यू 1 बाई 2 z की वैल्यू 1 बाई 2 इसमें बेटा 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, इसका स्क्वायर मिला 1 बाई 4 1 बाई 4 1 बाई 4 प्लस में मिला हमें 1 बाई 4, तो डाकिंग का एलसीएम लेते हैं तो सब का एलसीएम 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 कितना मिला हमें 1 आरएचएस दैट इज क्लियर। तो इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड किस पे डिपेंड करता है क्वेश्चन के वेटेज पे कि 2 मार्क्स में है या 3 मार्क्स में, जितना वेटेज है क्वेश्चन को उसी मेथड से ही हमें क्या करना है सॉल्व करना है दैट इज क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 by 2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus 1 by 2 cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square plus 1 by 3 tan inverse
3z minus z2 upon 1 minus 3, z square equal 5 pi. So then prove that. तो हमें सिद्ध करना है कि x plus y plus z equal x, y, z. तो उसका solution. हल क्वेश्चन हमारे पास 1 by 2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus 1 by 2 cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square plus 1 by 3 tan inverse 3z minus z cube upon 1 minus 3z square equal 5 pi. देखो वैसे तो हमारे को डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ये किस कौन सी प्रॉपर्टी है 2 tan inverse x की, ये भी किसकी है 2 tan inverse x, ये किसकी है 3 tan inverse x. हमने आइडेंटिटी में प्रूव किया था कि वो ये है 2 tan inverse x sin inverse x के फॉर्म में, ये भी 2 tan inverse x की cos inverse के फॉर्म में, ये भी 3 tan inverse x की tan inverse x की फॉर्म में. लेकिन हम यहां पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज ना करके इनको पहले किस में कन्वर्ट करते हुए दिखाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए दिखाना है कि ये 2 tan inverse x में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये 2 tan inverse x में कैसे कन्वर्ट हुआ और ये 3 tan inverse x में कैसे कन्वर्ट हुआ. अगर अपना बाहर इसमें sin inverse है तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए, सिंपलीफाइड फॉर्म के लिए, सरलतम रूप के लिए sin θ में कन्वर्ट होना चाहिए. इसमें cos inverse है तो ये cos θ में कन्वर्ट होना चाहिए. इसमें tan inverse है तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए, tan θ में. तो इसके लिए हमने सपोज किया, लेट माना x इक्वल tan a, y equal tan b and z equal tan c. तो यहां से हमें a की वैल्यू मिली tan inverse x, b की वैल्यू मिली हमें tan inverse y and c की वैल्यू मिली हमें tan inverse z. तो ये था हमारे पास 1 by 2 sin inverse 2 tan a upon 1 plus tan square plus 1 by 2 cos inverse 1 minus tan square b upon 1 plus tan square b plus 1 by 3 tan inverse 3 tan c minus tan cube c upon 1 minus 3 tan square c equal में था हमारे पास 5 pi. तो अपना 1 by 2 sin inverse ये किसका फॉर्मूला बना हमारे पास, sin 2a plus 1 by 2 cos inverse ये किसका फॉर्मूला बना हमारे पास, cos 2b plus 1 by 3 tan inverse ये किसका फॉर्मूला बना हमारे पास, tan 3c equal में था 5 pi. तो अपना 1 by 2 into sin inverse sin theta की simplest form theta plus 1 by 2 cos inverse cos theta simplest form क्या मिली 2b, 1 by 3 tan inverse tan theta simplest form क्या मिली 3c equal में था 5 pi. 3 से 3 cancel, 2 से 2, 2 से 2, a plus b plus c equal में था 5 pi. पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी किसका मान रखते हैं अपन यहां पे, ए बी और सी का. तो ए की वैल्यू थी हमारे पास tan इनवर्स x, बी की वैल्यू थी tan इनवर्स y, सी की वैल्यू थी हमारे पास tan इनवर्स z इक्वल में था हमारे पास 5 pi. अब देखो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z. तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास tan इनवर्स x plus y plus z minus xyz upon 1 minus xy minus yz minus zx equal में कौन था 5 pi. कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहां पे, tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z, tan inverse x plus y plus z minus xyz upon 1 minus xy minus yz minus zx equal 5 pi. इस tan इनवर्स को 5 pi के पास ट्रांसफर कर दो तो हमें मिला x plus y plus z minus xyz upon 1 minus xy minus yz minus zx equal tan 5 pi. हमने पढ़ा था कि tan
एन पाई यानी टेन फाइव पाई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास जीरो, टेन एन पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो टेन फाइव पाई की वैल्यू क्या हो गई जीरो। तो हमें मिला एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अपना ये कंप्लीट वैल्यू यानी डेनोमेटर जीरो से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा जीरो। हमारे को मिला x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल जीरो, यानी यहाँ से मिला x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल एक्स वाई जेड। तो पहले इन टर्म्स को किस में कन्वर्ट करना, हमारे को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म मिली हमें a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने यहाँ पे वापस अप्लाई कर ली। फिर इसमें प्रॉपर्टी यूज हो गई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमने tan इनवर्स x को किसके पास ट्रांसफर कर दिया 5 पाई के पास, और tan 5 पाई की वैल्यू क्या हो गई जीरो। जो डिनोमिनेटर है वो जीरो से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा जीरो। इसको इक्वल से हमने इस टर्म को इक्वल से किसमें ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड में, तो जो हमें चाहिए था वो क्या हो गया हमारे पास ट्रू, दैट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास थी। तो ये कन्वर्ट हुआ हमारे पास पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स टू एक्स इक्वल में था हमारे पास पाई बाई थ्री। कोस इनवर्स के टर्म्स में क्यों कन्वर्ट किया वो हम आगे अभी नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। इसको कोस इनवर्स टर्म्स को हमने किस में ट्रांसफर कर लिया राइट हैंड साइड में, तो हमें मिला पॉजिटिव कोस इनवर्स एक्स प्लस पॉजिटिव कोस इनवर्स टू एक्स पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई इसको राइट माइनस पाई बाई थ्री। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स टू एक्स इक्वल एलसीएम लेकर सॉल्व करने पे हमें क्या मिला टू पाई बाई थ्री, क्या मिला टू पाई बाई थ्री। अब यहाँ पे वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, तो कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा था एक्स, और वाई का काम कौन कर रहा था यहाँ पे टू एक्स इक्वल में था टू पाई बाई थ्री। अब देखो इसी स्टेप में समझते हैं कि हमने इसको कोस इनवर्स एक्स के टर्म्स में क्यों कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई आइडेंटिटी यूज हुई, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई आइडेंटिटी में जो रूट आता है वो केवल सिंगल साइड में यूज होता है, बल्कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई में साइन वर्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट बोथ साइड्स में यूज होता है। तो यहाँ पे रूट सोल्व करने के लिए अगर हम इसका बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे बाद में तो टू ए बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी में वापिस क्या यूज हो जाएगा रूट यूज हो जाएगा, और यहाँ पे रूट यूज नहीं होगा वो रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा वापिस स्क्वायर करने पे सोल्व मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की फॉर्म में, फिर इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज ले ली कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। अब हम कोस इनवर्स को किसके पास ट्रांसफर करते हैं टू पाई बाई थ्री के पास, तो हमें मिला टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल में मिला कोस टू पाई बाई थ्री। कोस टू पाई बाई थ्री की वैल्यू कोस टू पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू
माइनस वन बाई टू कैसे ही कोस टू पाई बाई थ्री को हम क्या ले सकते हैं पाई माइनस पाई बाई थ्री कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा तो यहाँ पे कोस थीटा कितना था हमारे पास पाई बाई थ्री तो माइनस बाहर आ गया 180 माइनस माइनस कोस थीटा इसलिए यहाँ पे कोस टू पाई बाई थ्री वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास माइनस वन बाई टू तो हमें मिला 2x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल माइनस 1 बाई 2 अब 2x स्क्वायर इस टर्म को इक्वल राइट हैंड टर्म को लेफ्ट हैंड में लिया कि हो गया प्लस का 1 बाई 2 इक्वल में मिला रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स तो देखो अब यहाँ पे सिंगल टाइप में स्क्वायर करते रूट क्या हो जाएगा सोल्व आउट हो जाएगा तो ये मिला हमें 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इधर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर तो इसका स्क्वायर किया तो मिला 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 इक्वल 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हमें मिला 4x स्क्वायर 1 बाई 4 2x स्क्वायर इक्वल मल्टीप्लाई करने में मिला 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 4x की पावर 4 4x की पावर 4 से 4x की पावर 4 क्या हो गया हमारे पास कैंसिल तो 1 बाई 4 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल हो गया 1 माइनस 5x स्क्वायर अब 5x स्क्वायर इक्वल से राइट हैंड में ट्रांसफर करो तो 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 1 बाई 4 तो 7x स्क्वायर इक्वल एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमें मिला 3 पाई बाई 4 तो x स्क्वायर इक्वल मिला 3 बाई 7 4 जा 28 या 4 इंटू 7 स्क्वायर रूट बोथ साइड्स स्क्वायर रूट तो x इक्वल मिला रूट ऑफ 3 अपॉन 4 इंटू 7 x रूट सोल्व आउट करो तो हमें मिला प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4 का रूट हो गया 2 इंटू 7 यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली हमें रूट 3 अपॉन 2 रूट 7 अब यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू यूज होगी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू कि x इक्वल रूट 3 अपॉन 2 रूट 7 नेगेटिव वैल्यू इस फंक्शन के लिए अपने पास क्या हो गई नॉट अलाउड क्यों जब हम यहाँ पे यूज करके देखेंगे नेगेटिव वैल्यू तो साइन माइनस का प्लस साइन माइनस का तो क्या देगा हमें नेगेटिव वैल्यू देगा बल्कि हमें कैसी वैल्यू चाहिए देखो पाई बाई थ्री कैसा है पॉजिटिव तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा ओनली पॉजिटिव वाला मतलब x इक्वल रूट 3 अपॉन 2 रूट 7 दैट इज क्लियर अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ यदि tan inverse x tan inverse y tan inverse z आर इन AP अगर हमारे पास tan inverse x plus tan inverse y tan inverse z किस में हो AP में हो तो देन प्रूव दैट तो सिर्फ कीजिए कि y स्क्वायर इनटू x plus z plus 2y इनटू 1 minus xz माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल जीरो इसका सॉल्यूशन हल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कि टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई एंड टेन इनवर्स जेड इन एपी तो बेटा कोई भी थ्री टर्म्स अगर एपी की फॉर्म में होते हैं तो यहाँ पे मिला हमें टू टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड या अगर ए प्लस ए बी एंड सी इन एपी तो देन
टू बी किसके इक्वल होता है ए प्लस सी के, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, टू टेन वर्स एक्स, और इधर यूज हो रहा है टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई, तो टू टेन वर्स एक्स हो गया हमारे पास टेन इनवर्स टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर, और ये मिला हमें टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड। टू टेन वर्स एक्स का वही फॉर्मूला यूज में ना जो टेन वर्स के फॉर्म में हो, कैसे पता चला, क्योंकि टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का किसके टर्म्स में होता है फॉर्मूला, टेन वर्स एक्स के टर्म्स में होता है, इसलिए बोथ साइड्स हमने वही फॉर्मूला यूज में लिए जो टेन वर्स आपके फॉर्म में हमें मिलता हो, कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, तो कंपेयरिंग का हमें मिला टू वाई वन माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड, बोथ साइड्स कंपेयर करने पर टेन वर्स हो गया हमारे पास। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का हमें मिला 1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू में x प्लस जेड इक्वल टू वाई इनटू में 1 माइनस एक्स जेड। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के इनटू में मिला में x प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर इनटू x प्लस जेड, 1 से मल्टीप्लाई हुआ x प्लस जेड, तो x प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर से इनटू में इक्वल में था हमारे पास 2y 1 माइनस एक्स जेड, तो इस टर्म को इक्वल से राइट हैंड में ट्रांसफर करते हो तो हमें मिला y स्क्वायर इनटू x प्लस जेड, फिर प्लस में था 2y 1 माइनस एक्स जेड, फिर ये टर्म जब राइट हैंड में जाएंगे तो माइनस का x माइनस जेड इक्वल में कौन मिला 0, दैट इज क्लियर। ये हमें प्रूव करना था इसमें, एक बार दोबारा देखते हैं। According to question, given question से क्या कहा इसने कि tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z किसके फॉर्म में थे, हमारे पास AP के फॉर्म में थे, तो कोई भी थ्री टर्म्स अगर AP में होते हैं तो arithmetic mean यानी AP का mean माध्य क्या था 2b equal a plus c, या थ्री कोई भी थ्री टर्म्स अगर AP के फॉर्म में होंगे तो वहाँ पे मिला 2b equal a plus c, तो इसमें फॉर्मूला यूज हुआ 2 tan inverse x, इसमें हुआ tan inverse x plus tan inverse y। Comparing on the both sides, cross multiply किया हमने, cross multiply करने के बाद